Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से। कनाडा में तीन तहों वाले मास्क को ज़रूरी करार दे दिया गया। चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रेसा टैम का कहना है कि मास्क का चेहरे पर फिट होना अहम चीज़ है, जबकि इससे सांस भी आराम से लिया जा सके। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का आज़ादी इजहार राय से मुतालिक वजाहती बयान सामने आ गया। कहते हैं कि इजहार राय की आज़ादी का दिफा जारी रखना ज़रूरी है और हम हमेशा इजहार राय की आज़ादी का दिफा जारी रखेंगे। क्यूबेक में तलवार के हमले में दो अफराद की हलाकत के बाद हुकूमत का बड़ा फैसला। ज़हनी सेहत के शोबे की माली आयनत के लिए $100 मिलियन का ऐलान किया गया है। वाजे रहे कि क्यूबेक में हेलोवीन के मौके पर एक तलवार के जरिए किए गए हमले के नतीजे में दो अफराद हलाक हो गए थे। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,44,935 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,279 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,78,69,340 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजूदा वायरस से हलाकतें 12,20,803 हो गई। 3,43,70,000 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। वियना हमले के बाद तुर्क मुसलमानों की इंसानी दोस्ती के चर्चे। दो नौजवानों ने जान की बाजी लगाकर एक खातून और पुलिस अफसर की जानें बचाईं। तुर्क सदर ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने दोनों नौजवानों के इस अमल को सराहा है। अवाम से फ्रॉड हो रहा है, ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे दी। ट्रंप का कहना था कि अमरीकी अवाम के साथ फ्रॉड हमारे मुल्क के लिए बाइस से शर्मिंदगी है। साफ साफ बताऊँ तो हम ये इलेक्शन क्लीन कर चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला क्लीन क्वालिटी 75% फूड ग्रेड अल्कोहल नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 9059566699 फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 9059566699। कनाडा के महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि मास्क, जिस्मानी दूरी और जुजवी लॉकडाउन वैक्सीन की आमद तक कोरोना वायरस के खिलाफ अहम दिफाई इकदाम हैं, जिसकी उम्मीद हम 2021 तक कर सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में तीन तहों वाले फिल्टर वाले मास्क को हुकाम की जानिब से जरूरी करार दे दिया गया है। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रेसा टैम ने नॉन मेडिकल मास्क के बारे में नई सिफारिशात का ऐलान करते हुए कहा है कि इन्हें कम से कम तीन परतों से बनना चाहिए और अपनी अहमियत पर जोर देते हुए कहना पड़ता है कि सर्दियों के मौसम में मुल्क में कोरोना वायरस में इजाफा देखने में आ रहा है। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के मुताबिक मास्क मजबूत कपड़े की दो तहों पर मुश्तमिल होना चाहिए। अलावा अजीब पॉलीप्रोपेन जैसे फिल्टर किस्म की एक तीसरी परत भी होनी चाहिए। उनका कहना था कि मास्क का चेहरे पर फिट होना अहम चीज है, जबकि इससे सांस भी आराम से लिया जा सके। मास्क, जिस्मानी दूरी और जिस्मी लॉकडाउन वैक्सीन की आमद तक कोरोना वायरस के खिलाफ अहम दिफाई इकदामात हैं, जिसकी उम्मीद हम 2021 तक कर सकते हैं। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का आज़ादी इजहार राय से मुतालिक वजाहती बयान सामने आ गया। इनकी जानिब से ये बयान पेरिस हमले पर दिए गए उनके तबसरे पर शदीद तनकीद के बाद सामने आया है। ट्रूडो को गुज़िश्ता हफ्ते अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से फ्रांस में टीचर के कत्ल के वाक़े पर मजम्मती बयान जारी ना करने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का आज़ादी इजहार राय से मुतालिक वजाहती बयान सामने आ गया। उनकी जानिब से बयान पेरिस हमले पर दिए गए एक तबसरे पर शदीद तनकीद के बाद सामने आया है। फ्रांसीसी सदर ने क्यूबेक के प्रीमियर से ट्रूडो की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करने को कहा और उन्हें यह कहा कि ट्रूडो को वजीर आजम ना बुलाएं। ट्रूडो ने फ्रेंच जबान में कहा कि मेरे ख्याल में इजहार राय की आज़ादी का दिफा जारी रखना जरूरी है। फनकार हमारे ख्यालात की अक्कासी और चैलेंज करने में हमारी मदद करते हैं और वो हमारे माशरे में अपना किरदार अदा करते हैं और हमेशा इजहार राय की आजादी का दिफा जारी रखेंगे। ट्रूडो को गुज़श्ता हफ्ते अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से फ्रांस में टीचर के कत्ल के वाके पर मुज़म्मती बयान जारी करने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। ट्रूडो ने इस हमले की मुज़म्मत की लेकिन आजादाना तकरीर पर उनके तबसरों ने उनके नाकदीन को पुरसकून नहीं किया। क्यूबेक हुकूमत की जानिब से तलवार हमले में दो अफराद की हलाकत के बाद ज़हनी सेहत के शोबे की माली आनियत के लिए $100 मिलियन का ऐलान किया गया है। प्रीमियर का कहना था कि हफ्ते की रात जो हुआ वो हैरान कुन है, ये समझना मुश्किल है कि इस तरह का तशद्दुद कैसे हो सकता है। क्यूबेक हुकूमत की जानिब से तलवार हमले में दो अफराद की हलाकत के बाद जहनी सेहत के शोबे की माली आनत के लिए $100 मिलियन का ऐलान किया गया है। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में हॉलोवेन के मौके पर एक तलवार के जरिए किए गए हमले के नतीजे में दो अफराद की हलाकत के बाद अपने पहले अवामी खिताब में सूबे के प्रीमियर का कहना था कि ये सूबा दिमागी सेहत के मसाइल को हल करने के हवाले से ज्यादा वक्त और रकम खर्च करेगा। उनका कहना था कि हफ्ते की रात जो हुआ वो हैरान कुन है, ये समझना मुश्किल है कि इस तरह का तशद्दुद कैसे रोका जा सकता है। इससे जहनी बीमारी के बारे में सवालात पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि हम कुछ मखसूस अफराद के असरात को कम कर सकते हैं जिनके बारे में शुबा हो कि वो जहनी बीमारी का शिकार है। क्यूबेक के जूनियर वजीर सेहत का कहना था कि वो लोगों की जहनी सेहत और हमले पर वबाई बीमारी के असरात के दरमियान कोई राबता कायम नहीं करना चाहते। इतवार के रोज हेलोवेन की रात ओल्ड क्यूबेक में 7 अफराद पर तलवार से हमला करने वाले 24 साल शख्स पर फर्स्ट डिग्री के कत्ल और 5-5 इकदाम कत्ल के इल्जाम आयद किए गए थे। ऑन्टेरियो महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के 1000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए हैं जो कि एक रिकॉर्ड है। इस दौरान 14 अफराद हलाक हुए। एक महकमे का कहना है कि बढ़ने वालों की तादाद गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में 2 गुना हो गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है जिसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इतलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 2,44,935 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,279 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,08,889 हो गई है जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,317 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 78,705 तक जा पहुंची है जबकि हलाकतों की तादाद 3,166 है। ऑन्टेरियो महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि एक रिकॉर्ड है। इस दौरान 14 अफराद की हलाकत की इतला है। महकमे का कहना है कि मरने वालों की तादाद गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में 2 गुना हो गई है। महकमे ने शहरियों से कोरोना रूल्स को सख्ती से फॉलो करने की अपील की है। अल्बर्टा में 29,932 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं जबकि 338 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 15,801 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 272 है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। इटली में रात भर का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया है। ये फैसला मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर 30 से 35 हज़ार कोरोना के नए केसेस सामने आने पर वबा के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है और अगर केसेस में कमी ना हुई तो मजीद सख्त इकदाम उठाने का इंदिया दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मौजूदा वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,78,69,340 तक जा पहुंची है जबकि इस मौजूदा वायरस से हलाकतें 12,20,803 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 1,22,803 मरीज अस्पतालों, करंटीना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं जिनमें से 88,167 की हालत तशवीशनाक है जबकि 3,43
47,69,995 कोरोना मरीज सहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस के अतबार से 10 सरफहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,38,656 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 96,93,632 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से 1,23,650 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 83,13,876 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 1,60,548 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 55,67,126 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 28,828 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 16,73,686 हो चुकी हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 27वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,456 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि ममलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,48,510 तक जा पहुंची है। वियना दहशतगर्द हमले में 2 बहादुर तुर्क नौजवानों ने पुलिस अफसर समेत एक जख्मी खातून के दिफा के लिए अपनी जानें खतरे में डाल दीं और गोलियों की बौछार से उनको बचा लाए। तुर्क सदर उर्दवान ने टेलीफोनिक करके मुसलमानों का सर फखर से बुलंद करने पर उनको खराज तहसीन पेश किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रिया के दारुलहुकूमत वियना में पीर की शब दहशतगर्द हमले में जख्मी होने के बावजूद 2 तुर्क नौजवानों ने ज़ईफ़ खातून और जख्मी पुलिस अहलकार की जान बचाकर बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। वियना दहशतगर्द हमले में 2 बहादुर तुर्क नौजवानों रजब तैयब गुलतगीन और मिकाइल ओज़ेन ने पुलिस अफसर समेत एक जख्मी खातून के दिफा के लिए अपनी जानें खतरे में डाल दी और गोलियों की बौछार से उनको बचा लाए। तुर्क सदर अर्दोगान ने टेलीफोन करके मुसलमानों का सर फखर से बुलंद करने पर उनको खराज तहसीन पेश किया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जख्मी होने वाले तुर्क नौजवानों से वीडियो लिंक के जरिए बात की और उसकी बहादुरी को सराहा। तुर्क निजात ऑस्ट्रियाई नौजवानों की इस बहादुरी और इंसान दोस्ती को न सिर्फ ऑस्ट्रियाई हुकूमत ने बल्कि ऑस्ट्रिया में तुर्की सफीर ने भी सराहा है। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रिया के दारुलहुकूमत वियना में 6 मुख्तलिफ मुकामात पर फायरिंग के वाक़े में 4 शहरी हलाक हो गए, जबकि एक हमलावर मारा गया। फायरिंग के वाक़ात में 17 अफराद जख्मी हुए, जो हस्पताल में जेर इलाज हैं, जहाँ 7 की हालत तशवीशनाक है। ऑस्ट्रेलियन वजीर दाखला का कहना है कि हलाक दहशतगर्द दाइश का हामी था। दहशतगर्द हमले में दीगर अफराद के मुलविस होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वियना हमले में जख्मी तमाम 17 अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में तिबी इमदाद दी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ये बड़े दुख का लम्हा है। मैं ये फिर बताता चलूं कि हम इंतखाबात पहले ही जीत चुके हैं। जो बाइडन की सदारती मुहिम के मैनेजर ने अमरीकी सदर ट्रंप के सुप्रीम कोर्ट जाने के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा कि ट्रंप वोट गिनती से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो हमारी लीगल टीम भी तैयार है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हामियों से खिताब करते हुए कहा कि आवाम से फ्रॉड हो रहा है, उनके नज़दीक तो वो इलेक्शन जीत चुके हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की भी धमकी दे दी है। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी आवाम के साथ फ्रॉड हमारे मुल्क के लिए बायस शर्मिंदगी है। साफ साफ बताऊँ तो हम ये इलेक्शन क्लीन कर चुके हैं, अमरीकी आवाम के साथ ये बड़ा फ्रॉड है। उन्होंने मजीद कहा कि हम बाकायदा जाब्ता अखलाक के साथ इन इंतखाबात की साख बरकरार रखने के लिए अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि सुबह 4 बजे वाले वोट को नतायज में शामिल ना किया जाए, ये बड़े दुख का लम्हा है। उन्होंने कहा कि मैं ये फिर बताता चलूं कि हम इंतखाबात पहले ही जीत चुके हैं। जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और जिन्होंने हमारी मदद की, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।
Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAG TV. TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe.